तो बेंटेन की सीरीज के अंदर कई सारी चीजें ऐसी होती है जिन्हें ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। मतलब कि सीरीज के अंदर हमें उन्हें दिखाया तो जाता है लेकिन उस चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलता, जिसके बाद फैंस के मन में कई सारे अलग अलग सवाल पैदा होते हैं। और इन्हीं सवालों में से एक सवाल ये है कि जब बेंटेन क्लासिक में बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ करता था तो जो एलियंस के ऊपर ओमनीट्रिक्स का सिंबल होता था वो व्हाइट यानी कि सफेद कलर का होता था, पर जब हमें बेंटेन अल्टीमेट एलियन के फोर्ज ऑफ क्रिएशन एपिसोड के अंदर और ओमनीवर्स के फ्लैशबैक एपिसोड्स के अंदर 11 साल वाले बेन के एलियंस दिखाए गए तो वहां पर उनके ओमनीट्रिक्स का कलर व्हाइट की जगह ग्रीन था। तो यही हमारी आज की बेंटेन मिस्ट्री होने वाली है कि भला ओमनीट्रिक्स का कलर सफेद से हरा कैसे हो गया। और हाँ, इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आज मेरे पास दो दो ऑफिशियल आंसर हैं, उनसे रिलेटेड एक एक थ्योरी भी है, वीडियो के एंड में एक तीसरी थ्योरी भी है और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा कि मुझे कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। चलो इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 5700 लाइक्स और कमेंट्स का एम रखते हैं 700 कमेंट्स। और हाँ, हम लोग 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो उम्मीद करते हैं कि आपने कर दिया होगा, तो अब फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारा पहला ऑफिशियल आंसर आया है ड्वेन मैकडफी की तरफ से। वैसे जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ड्वेन मैकडफी ने बेंटेन एलियन फोर्स और बेंटेन अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर ऑफिशियली स्टोरी राइटर और स्टोरी एडिटर का काम किया है। और जब इनसे पूछा गया कि बेंटेन क्लासिक के एलियंस के सिंबल तो व्हाइट कलर के होते थे तो भला बेंटेन एलियन फोर्स के एलियंस के ओमनीट्रिक्स के सिंबल ग्रीन कलर के कैसे हो गए, तो इस सवाल का जवाब देते हुए ड्वेन मैकडफी ने ये कहा कि आपको तो पता ही होगा कि बेंटेन क्लासिक में ओमनीट्रिक्स का कलर ग्रीन ही था, पर जब बेन ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल करके एलियन में ट्रांसफॉर्म होता था तो ओमनीट्रिक्स का सिंबल वहां पर व्हाइट कलर का हो जाता था, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि ओमनीट्रिक्स का जो डिफॉल्ट कलर है वो ग्रीन ही है। पर क्योंकि प्रोटोटाइप ओमनीट्रिक्स में काफी सारे ग्लिचेस थे जिनमें से एक ग्लिच ये था कि ओमनीट्रिक्स का जो डिफॉल्ट कलर था ग्रीन कलर, उसकी जगह पे हमें व्हाइट कलर दिखाया जा रहा था। मतलब कुल मिला के ड्वेन मैकडफी का ये कहना है कि बेंटेन क्लासिक में जो ओमनीट्रिक्स का सिंबल हमें व्हाइट कलर का दिखता था वो और कुछ भी नहीं बल्कि प्रोटोटाइप ओमनीट्रिक्स के ग्लिचेस की वजह से था। और शायद बाद में एजमथ ने इस ग्लिच को फिक्स कर दिया होगा क्योंकि हमने ओमनीवर्स के फ्लैशबैक एपिसोड्स में देखा ही था कि ओमनीट्रिक्स में कोई ना कोई ग्लिच आने की वजह से बेन का एजमथ के पास आना जाना लगा रहता था और प्रोटोटाइप ओमनीट्रिक्स के बाकी सभी ग्लिचेस को फिक्स करने के बाद एजमथ ने इस ग्लिच को भी फिक्स कर दिया होगा और इसीलिए ओमनीट्रिक्स के सिंबल का कलर व्हाइट से ग्रीन में चेंज हो गया होगा। और इस थ्योरी से ये भी जस्टिफाई हो जाता है कि हमें फोर्ज ऑफ क्रिएशन एपिसोड के अंदर दिखाए गए 11 साल वाले बेन और बेंटेन ओमनीवर्स के फ्लैशबैक एपिसोड्स में दिखाए गए 11 साल वाले बेन के एलियंस के ओमनीट्रिक्स के सिंबल्स व्हाइट की जगह ग्रीन कलर के क्यों दिखाई देते थे। वेल, ये तो था हमारा ऑफिशियल आंसर नंबर 1 और उससे रिलेटेड एक थ्योरी। पर अब चलते हैं हमारे दूसरे ऑफिशियल आंसर की तरफ जो कि दिया है डेरिक जे वाइट ने। डेरिक जे वाइट जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है और इन्होंने बेंटेन ओमनीवर्स का आर्ट स्टाइल दिया था क्योंकि ये बेंटेन ओमनीवर्स के आर्ट डायरेक्टर थे। और जब इनसे यही वाला सवाल पूछा गया तो इनका जवाब ये था कि ओमनीट्रिक्स के ऊपर एक स्क्रैच गार्ड लगा हुआ था जो कि रिस्पॉन्सिबल था ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ओमनीट्रिक्स का कलर चेंज करने के लिए। लेकिन एक फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग बेंटेन डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी के लास्ट में जब बेन वेबिग में ट्रांसफॉर्म हुआ तो ये स्क्रैच गार्ड टूट गया और इसीलिए हमें वेबिग के ओमनीट्रिक्स का सिंबल वहां पर ग्रीन दिखाई दिया। पर इस थ्योरी में एक गड़बड़ है जिससे ये पूरी की पूरी थ्योरी ही गलत साबित हो जाती है और वो गड़बड़ ये है कि मूवी के लास्ट में जाके ही वेबिग का ओमनीट्रिक्स ग्रीन नहीं हुआ था, बल्कि अगर आपने नोटिस किया हो तो मूवी के शुरुआत से ही हमें वेबिग का ओमनीट्रिक्स ग्रीन ही देखने को मिला
किया था। जब मूवी के शुरुआत में हमें ये बेन का ड्रीम सीक्वेंस दिखाया जा रहा था तो हमें यहाँ पर इस मूवी के सभी एलियंस देखने को मिले जिनका ओमनीट्रिक सिंबल नॉर्मल व्हाइट कलर में था जैसे कि क्लासिक सीरीज में था, लेकिन अकेला वेबिग ही ऐसा एलियन था जिसका ओमनीट्रिक्स का सिंबल ग्रीन कलर में था। और बेन के सपने में स्पेसिफिकली वेबिग के ओमनीट्रिक्स का कलर तो चेंज होगा नहीं, जिससे कि ये समझ में आता है कि ये एक मूवी मिस्टेक थी। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा वेबिग का डिजाइन ही गलत था, क्योंकि बेन 10 क्लासिक में वेबिग कुछ ऐसा दिखता था पर इस मूवी के अंदर उन्होंने एलियन फोर्स के वेबिग के डिजाइन को CGI में बनाकर इस मूवी में डाल दिया। खैर इस मूवी के मिस्टेक्स के ऊपर तो फिर कभी किसी और वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, पर फिलहाल के लिए क्या कोई मुझे ये समझाएगा कि स्क्रैच गार्ड का ओमनीट्रिक्स में भला क्या काम है? क्योंकि अगर मान के भी चलें कि ओमनीट्रिक्स का स्क्रैच गार्ड टूट गया था तो भी कौन सा घंटा फर्क पड़ा ओमनीट्रिक्स की ड्यूरेबिलिटी पर, और भला ओमनीट्रिक्स जैसे डिवाइस को स्क्रैच गार्ड की जरूरत भी क्या है? इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे तो ये स्क्रैच गार्ड वाला आंसर कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। पर फिर भी पता नहीं क्यों जब भी हम गूगल पे यही वाला क्वेश्चन सर्च करते हैं तो हमें ये स्क्रैच गार्ड वाला आंसर ही दिखाई देता है। खैर इन सब को छोड़ के हम फटाफट से अपनी वीडियो की अगली थ्योरी पर बढ़ते हैं, जो कि अगेन एक फैन थ्योरी होने वाली है, जो कि ये कहती है कि हमें बेन 10 क्लासिक में ओमनीट्रिक्स के सिंबल्स व्हाइट कलर के इसीलिए दिखाई देते थे क्योंकि ओमनीट्रिक्स में व्हाइट कलर एक तरह से उसकी इनएक्टिव स्टेट को दर्शाता था। मतलब अगर ओमनीट्रिक्स का सिंबल व्हाइट कलर का है तो बेन उस पे टैप करके दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, पर अगर ओमनीट्रिक्स का सिंबल ग्रीन कलर का है तो बेन उस पे टैप करके आसानी से किसी और एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या फिर अगर चाहे तो नॉर्मल भी हो सकता है। पर अब शायद यहाँ पे आप ये भी बोलो कि मास्टर कंट्रोल में भी ओमनीट्रिक्स व्हाइट था लेकिन फिर भी बेन वहाँ पर एलियंस में स्विच कैसे कर पा रहा था, और व्हाइट ओमनीट्रिक्स पर टैप करने से ही बेन 10,000 ने बेन को अपग्रेड से कैनन बोल्ट में कैसे चेंज कर दिया? तो देखो मास्टर कंट्रोल में तो बेन ओमनीट्रिक्स के किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, और जहाँ तक बात है बेन 10,000 की तो बेन 10,000 भी बेन को डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म नहीं कराता बल्कि वो पहले ओमनीट्रिक्स को व्हाइट से ग्रीन में चेंज करता है और उसके बाद जाके बेन अपग्रेड से कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। और मेरे ख्याल से बेन ने कैसे ना कैसे ओमनीट्रिक्स के कलर को व्हाइट से ग्रीन कर लिया और तब कहीं जाके बेन एक एलियन से दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म होना सीख पाया। तो क्योंकि अब सारी की सारी थ्योरीज डिस्कस हो चुकी हैं, तो मैं भी अपना फाइनल ओपिनियन / कंक्लूजन भी दे देना चाहता हूँ कि मुझे कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। तो मुझे ड्वेन मकडफी का आंसर और फैन थ्योरी नंबर 1 और फैन थ्योरी नंबर 3 सबसे ज्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि ये थ्योरीज उन सभी इवेंट्स को एक्सप्लेन और जस्टिफाई कर पा रहे हैं जिनको एपिसोड्स के अंदर दिखाया तो गया लेकिन कभी ढंग से समझाया ही नहीं गया। तो यही थी आज की वीडियो, और आपको इन थ्योरीज में से कौन सी सबसे ज्यादा बढ़िया लगी ये आप मुझे कमेंट्स में बताना, या फिर आपके पास कोई और अच्छी सी थ्योरी हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना, और ये भी बताना कि तुम्हें व्हाइट वाला ओमनीट्रिक्स ज्यादा पसंद है या फिर ग्रीन वाला। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करके घंटा बजा देना, मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और ऐसी ही और भी बेन 10 मिस्ट्रीज देखनी है तो राइट वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करना।